सुकुना ने अपने न्यू विक्टिम को कुक कर दिया है और इस बार वो कोई और नहीं था बल्कि बेस्ट उन्हीं चांद था। पहले ही वो किंजाकू से भाग चुका था डोनट क्लब को भी अवॉइड करते हुए, लेकिन अब डेथ उसे फाइनली रिसीव हो चुकी है। एस कोई भी उसके इस अल्टीमेट टेक्निक से बच नहीं पाया सुकुना की न्यूक से। ये लिटरली यूजी के खुद के आंखों के सामने होता है जो कि उसे और डिप्रेस्ड होने के रीजंस दे रहे हैं। बट एक ब्रदर के जाने के बाद अब दूसरा फाइनली आ चुका है। 3 साल के बाद फाइनली तोतो वापस आ चुका है, लेकिन सिंस अब हमें उरुऊ में आइकॉनिक पोज को यूज करते हुए दिखाया गया है, अब नहीं लगता कि सुकुना अब ज्यादा टिक पाएगा। आफ्टर ऑल ये पोजीशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन लिटरली इस चैप्टर में सुकुना ने एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर वेपन को यूज किया है। ये हमें बताया गया है कि हेल का इन्फर्नो है जो कि हर किसी को जला के रख देगा। ये एक सिमिलर चीज है जो कि हमने पिछले बार शिबुया इंसिडेंट में भी देखा था। ये ब्लास्ट काफी ज्यादा रिसेम्बल करता है थर्मोबैरिक बॉम्ब की तरह, जहाँ पे लिटरली हर एक पार्टिकल जल जाते हैं। ये एक कॉल बैक था जोगो के लिए, जहाँ पे सुकुना ने जोगो को ये स्टेट किया था कि उसे हर एक चीज जला देनी चाहिए थी, वो भी बिना किसी चीज को सोचे। लेकिन यहीं पे ये सवाल आता है कि आखिर उसने इस टेक्निक को गोजो के खिलाफ क्यों नहीं यूज किया। सुकुना को कंटिन्यूसली अपने पैरामीटर्स को एक्सपैंड करना पड़ा था ऑफ हिज डोमेन अगेंस्ट गोजो। दैट्स द रीजन कि वो हर एक चीज में आउट ब्लास्ट ना जा सका। सिंस ये अटैक एक लिटरली हेल को क्रिएट करता है, ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि आखिर उसका हैंड साइन ऐसा क्यों है। ये हैंड साइन रिप्रेजेंट करता है एनमा को, जो कि बुद्धिज्म में किंग ऑफ हेल है। दैट बीइंग सेड, इवन सुकुना भी अपने आप को कह रहा है कि उसने कई बाइंडिंग वाउस को प्लेस कर दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके रियलिटी स्लैश जेकब्स लैडर और अभी उसके लेटेस्ट डोमेन एक्सपेंशन के लिए, इन्हीं सारे छोटे मोटे बाइंडिंग वाउस की वजह से अब फाइनली सुकुना को पीछे से जकड़ा जा रहा है। इनफैक्ट वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में ये स्टेटेड है कि वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करते टाइम अब डिफिकल्टी फेस करता है। लेकिन बस इसी पॉइंट को पहुंचने के लिए कई लोगों को खुद को सैक्रिफाइस होना पड़ा। एस लेटेस्ट चैप्टर में चोसो ने खुद को सैक्रिफाइस करा है ताकि वो यूजी को बचा सके। अपने लास्ट कन्वर्सेशन में चोसो ने ये स्टेट किया है कि वो काफी दुखी है कि उसने ये कर्स स्पिरिट की लाइफ चूज करी। ना ही ये लोग ह्यूमंस को हेट करते थे और ना ही सोर्सरर्स को, लेकिन फिर भी एक जमाने में इन लोगों ने माहितो को चूज करा था क्योंकि ये एक इजी ऑप्शन था। दिवो वायलेंस के रूट को चूज करते हुए, हेंस जब कैसेजू और ईसो की डेथ हुई, ये काफी बड़ा दर्द था फॉर चोसो। चोसो काफी दुखी था कि उसके चॉइसेस की वजह से उसके भाइयों को ये लाइफ लेनी पड़ी। एस उन्हें यही डर था कि चोसो और कैसेजू को ह्यूमन सोसाइटी इग्नोर करती उनके अपीयरेंस की वजह से। सिंस हमें पता है कि इवन सोर्सरर भी अपने अंदर ही भेदभाव करते हैं। आई मीन बस नाओया को देखो, वो लिटरली नंबर 6 पर रैंक करता है बीट करते हुए माकी को, डिस्पाइट कि उसकी मिसोजिनी हमें काफी पहले से नजर आ रही है। So, ये kind of एक fact है कि तुम as a curse अच्छी तरीके से जी सकते हो rather than a human in jujutsu society. Instead कि तुम लोगों से constantly जज हो, उन्होंने ये decide करा कि वो एक judgment free path को choose करेंगे। लेकिन एक point के बाद चोसो ने भी ये realize करा कि उसके choices के भी कुछ ना कुछ consequence है। In a way जाने अनजाने में उसने अपने पूरे के पूरे fate को केंजाकू के हाथों में दे दिया था। दुफो अपने ओनली सर्वाइविंग ब्रदर के डेथ को डायरेक्ट करते हुए चोसो काफी डीपली रिग्रेट करता है उन ह्यूमंस के लिए जो कि शिबुया इंसिडेंट में मारे गए थे। वो आखिर में बस इसी चीज को सोचता रहा कि अगर वो ह्यूमन की लाइफ लेता देन शायद से चीजें काफी डिफरेंट होती। थस वो पागलों की तरह रोने लग गया था इन चैप्टर 208। वो बस यही सोचते रहा कि आखिर उसने यूजी को इस पैथ में अकेले कैसे छोड़ दिया, क्योंकि चोसो एक ऐसा बीइंग था जिसके पास कोई भी दूसरे वैल्यूज नहीं थे
rather than his love for brothers. Thus, उसके life का only purpose यही था कि वो अपने भाई को protect करे. Since वो अपने बाकी दूसरे भाइयों में इसी चीज में फेल हुआ और इन्हीं चीजों को पे करने के लिए हमें इस चैप्टर में ये मोमेंट दिखाया गया. ये काफी ज्यादा नेचुरल था कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए आए और फिर इन रिटर्न भले ही उसकी लाइफ खुद ही क्यों ना जाए. और ये चीज हमें लेके आती है उनके कन्वर्सेशन में जो कि वो सोल वर्ल्ड में करते हैं, जहाँ पे चोसो ने यूची को पहली बार अपने भाई के रूप में देखा था. चोसो इस चीज को कहता है कि यूची ने रिवर्स कर्स टेक्निक को इवन उससे भी पहले सीख लिया है. और एक काफी मोटिवेटिंग वे में वो ये भी कहता है कि लिटिल ब्रदर हमेशा अपने ओल्डर ब्रदर को सरपास करता है. वो ये भी कहता है कि उससे थोड़ा सा रिग्रेट है कि वो वापस से यूजी को यहाँ पे अकेला छोड़ रहा है. It's enough to make a grown man cry. लेकिन जस्ट लाइक नानामी, चोसो भी ये स्टेट करता है कि यूजी यहाँ से आगे की चीजें संभाल लेगा. सो जब ये टाइम आता है कि वो लोग गुड बाय कहे, यूजी फाइनली उसे अपना बिग ब्रदर कहता है. सो भले ही चोसो एक कर्स स्पिरिट पैदा हुआ था, लेकिन उसकी डेथ एज अ ह्यूमन हुई है. इस ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों की डेथ हो चुकी है. उसका बड़ा भाई चोसो इस ब्लास्ट में मारा गया. लेकिन ठीक इसी चीज के बाद हमें दिखाया जाता है कि डोडो एंट्री करता है और हमें बताया गया है कि आखिर क्यों तोदो के सर्वाइवल को हमसे छुपाया गया है. वो इसलिए था बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. I'm confused right now. Well, let me explain. Since सुकुना और यूजी काफी लंबे टाइम से एक ही बॉडी में थे, इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन बन गया था जो कि कभी टूट नहीं सकता. ये चीज हमें इवन स्टेटेड भी किया गया था इन चैप्टर 249, जहाँ पे सुकुना काफी ज्यादा अनइजी फील करता है डेथ ऑफ हिगुरुमा से, जहाँ पे वो ये सोचने लगता है कि कहीं लोगों के आइडियल्स रियल तो नहीं. देयरफॉर अगर यूजी को ये प्लान पता होता कि तोदो और बाकी सारे लोग अलाइव है, देन क्या पता यूजी सबकॉन्शियसली ही इस प्लान को सुकुना को दे बैठता. दैट्स द रीजन कि तोदो और मेमे इस जीनियस प्लान के साथ आते हैं. वो अभी भी अपने बुगी बुगी टेक्निक को फील कर पा रहा था. दैट्स द रीजन कि उसने अपने टेक्निक को एक्सपैंड करने का सोचा और इसी मेथड की वजह से सारे सोर्सरर जो कि वहां पे थे उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया. वो लिटरली झूठ नहीं कह रहा था जब उसने कहा कि उसकी IQ 53,000 की है. इनफैक्ट यूता का डोमेन भी यूजी को काफी बाद में बताया गया था ताकि वो सुकुना को अवॉइड कर सके. लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एक मेजर चीज भी हो सकती है और इनफैक्ट यही एक प्रूफ है कि नोबारा भी वापस आ सकती है. ये चैप्टर हमें एक काफी भयानक कोपियम दे रहा है. लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्यों ना तुम नीचे कमेंट में कहो कि क्या तुम्हें ब्लैक बियर्ड के रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर डार्क कॉन्टिनेंट अबाउट हंटर हंटर. जो भी कमेंट सबसे ज्यादा होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनेगी. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय.